First of all, I welcome you all once again to my channel Explore Education. And today I am going to discuss an important and relevant topic in the field of principles of education, that is minimum level of learning. And I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad, and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations. And do subscribe my channel if you want to get my future videos too on different aspects of education. So first of all, we are starting with minimum level of learning, popularly known as MLL. The minimum level of learning strategy for improving the quality of elementary education is an attempt to combine quality with equity. मतलब अगर हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो ये वो स्ट्रेटजी है जिससे कि हम स्पेशली ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है ना, जैसे आप आगे इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज स्पेशली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन. ये तय किया गया कि बच्चा छात्र एलिमेंट्री एजुकेशन में एट लीस्ट इतना ज्ञान हासिल कर ले, इतना मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग उसके पास होना चाहिए. ज्ञान उसके पास होना चाहिए. सो अटेम्प्ट टू कंबाइन क्वालिटी विद इक्विटी, मतलब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे सकें और इक्विटी मीन्स सबको दे सकें, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कलर, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा. देन इट लेज डाउन लर्निंग आउटकम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंसीज और लेवल्स फॉर लर्निंग फॉर ईच स्टेज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. मतलब इसमें क्या कहा गया है कि लर्निंग आउटकम्स निकाले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंसीज, मतलब कि इस कक्षा के बाद छात्र में इतनी दक्षता होनी चाहिए, इस कक्षा के बाद छात्र को इतने कौशल आने चाहिए, और लेवल्स फॉर लर्निंग फॉर ईच स्टेज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हर स्टेज की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए निकाला गया है, तय किया गया है कि ये लर्निंग आउटकम होना चाहिए कॉम्पिटेंसी के रूप में और छात्र को उसको अचीव करना है. MLLs in terms of learning competencies expected to be mastered by every child by the end of a particular class or stage of education. मतलब ये माना गया कि MLL क्या है? Learning competency है और ये आशा की जाती है कि हर छात्र, प्रत्येक छात्र पर्टिकुलर कक्षा या चरण जो शिक्षा का वो ग्रहण कर रहा है उसके बाद उसमें मास्टरी हासिल कर लेगा, उस पर उसको दक्षता हो जाएगी. Then each competency can be further delineated in terms of sub-competencies. Yani competency ko bhi sub-competency mein baant diya gaya hai by specifying the content inputs or by measures of learning. Jab hum naap rahe ho, jab hum maapan kar rahe ho adhigam ka tab, ya jab hum specify kar rahe ho ki kaun kaun se content pe humko mastery chahiye. The set of MLLs would actually represent the rational criteria adopted for judging the adequacy of the curricular inputs provided and the learning outcomes to be expected. मतलब समझा ना कि MLL है क्या? Actually एक rational criteria है, मतलब एक तार्किक मानदंड है, अपनाया गया है क्या judge करने के लिए कि हम जो curricular input दे रहे हैं, यानी कि हम जो पाठ्यक्रम जिस रूप में बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो पर्याप्त है कि नहीं, and the learning outcomes to be expected, और उसके संगत हमको अधिगम का उत्पाद मिल रहा है कि नहीं, and the learning outcomes to be expected. और ये कुरीन का 1991 का कथन है. तो एक हमको जनरल जानकारी हो गई कि MLL क्या है, पहली बात खास एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, दूसरा क्या कि ये कुछ लर्निंग कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि प्रत्येक छात्र को उस कक्षा को कक्षा का जब मतलब खत्म करके दूसरी कक्षा में जाता है तो उसको उस पर मास्टरी होनी चाहिए, और इस लर्निंग कॉम्पिटेंसी को सब कॉम्पिटेंसी में भी बांट दिया गया है. Then basic considerations, क्या मूलभूत इसके पीछे मान्यता है, क्या मानकर हम चले हैं, कहां से MLL का concept आया? तो while formatting the MLLs, पहली बात the cognitive capabilities of the children at different classes or grades corresponding to different stage of development. क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे की विभिन्न कक्षाओं में या ग्रेड में जो उसके संगत जो उसकी संज्ञानात्मक योग्यता है वो corresponding to different stage of development, वो जो विकास के विभिन्न चरण हैं उसके संगत है कि नहीं, उसके corresponding है कि नहीं. अब यहाँ से हमको पियाजे साहब की याद आती है, जहाँ पियाजे जब हमको cognitive development बताते हैं तो वो बताते हैं कि sensory motor के बाद हम जाते हैं pre-operational में, फिर concrete operational में, फिर formal operational में. Means
कि जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में हैं, वैसे तो हम इसको कॉग्निटिव लेवल की बात करते हैं, तो हम सेंसरी मोटर या हम प्री ऑपरेशनल की बात कर ले रहे हैं क्योंकि हम एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इसको तय कर रहे हैं। तो प्री ऑपरेशनल में स्टेज में जब बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है तो उसकी MLL किस हिसाब से डिसाइड की जाएगी, जो उसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है। यानी कि MLL हमको पियाजे के संगत लग रहा है, ब्रूनर के संगत नहीं लग रहा है। ब्रूनर ने तो कहा कि हम किसी भी स्टेज में किसी भी स्टेज को हासिल कर सकते हैं, पर ये कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टेज हैं, क्रमिक हैं, क्रमवार ही आती हैं और हम किसी को जंप नहीं कर सकते। उसी हिसाब से MLL भी बनाया गया है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन का छात्र है वो जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो वो जिस डेवलपमेंट के जिस स्टेज पर होगा उसके संगत जो उसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी होगी उसी के हिसाब से हम MLL डिजाइन करेंगे, पहली बात। दूसरी, द इम्पीरिकल रियलिटी इन टर्म्स ऑफ द इनेबलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट कैरेक्टराइज द प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि हमारा जो प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम है उसमें क्या है, इम्पीरिकल रियलिटी इन टर्म्स ऑफ द इनेबलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि हमको वातावरणीय दशाएं भी देखनी है कि वो MLL हमारा उसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है कि नहीं। मतलब ये दो मूलभूत मान्यताओं को लेकर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम स्तर जो अधिगम का है, उसको सुनिश्चित किया गया है हर स्टेज के लिए। और उसके लिए ये भी डिफाइन है कि किस किस करिकुलर एरिया में बनाया जाएगा और क्या है, क्लास वन के लिए क्या होगा, क्लास टू के लिए क्या होगा, क्लास थ्री के लिए क्या होगा, इस तरीके से डिफाइन है। इन टर्म्स ऑफ MLL, स्कूल्स कैन बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स रादर देन द क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स। मतलब स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, बट कैन बी एक्सटेंडेड टू सेकेंडरी और हायर एजुकेशन टू। और टर्म्स ऑफ MLL, अगर हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के टर्म्स में बात करेंगे तो विद्यालय को हम किस टर्म में जज करेंगे कि उसके से जो निकल रहे हैं छात्र उनकी योग्यता क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, लर्निंग का आउटकम क्या है, रादर देन कि कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है या जो शिक्षक वहां पढ़ाते हैं वो कितने गुणवत्तापूर्ण है। इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि जो उत्पाद हमको वहां से मिल रहा है वो कितना कौशल से युक्त है। देन बहुत सारे शिक्षा के जो कमीशंस कमिटीज आए हैं उन्होंने भी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पे बहुत बात की है, वेरियस कमीशंस ऑन MLL। बहुत सारे कमीशंस क्या कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पे, तो एजुकेशन कमीशन जो कि 1964 में आया रिपोर्ट, उसने 66 में सबमिट की, वो क्या कहता है, हैज एम्फसाइज्ड दैट स्टूडेंट ऑफ ऑल स्कूल शुड अटेन द डिटरमाइंड लेवल ऑफ लर्निंग। वो कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ ऑल स्कूल, प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थी को जो सुनिश्चित लेवल किया गया है उसके लिए अधिगम का, उतना सीखना ही सीखना है, अटेन उसको करना ही चाहिए। Then, in 1978, NCERT had started a project with the help of UNICEF entitled as Primary Education Curriculum Renewal. यानी कि NCERT ने 1978 में ही UNICEF की सहायता से एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट पे काम किया जिसका नाम था प्राथमिक शिक्षा, जिसमें वो पाठ्यक्रम को रिन्यू कर रहे हैं इन लाइन विद MLL. Then, NPE 1986, आज जो NEP हमको 2020 में मिली है, उसके पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी, वो क्या कहती है, stated as laying down of minimum level of learning which all students should achieve. वो भी यही बात करती है कि हमको कुछ minimum level of learning बनाने होंगे और प्रत्येक विद्यार्थी को उसको अचीव करना होगा। Then, using the evaluation and following the NPE 1986, यानी कि NPE 1986 को follow करते हुए NCERT एक another document बनाती है जिसका कि नाम है minimum level of learning at primary stage, और ये काम 1986 में हो रहा है, मतलब 1986 के बाद हो रहा है। Then, NCERT has kept ensuring क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इन नेशनल फ्रेमवर्क 2005। हमको पता, आपको पता होना चाहिए कि NCERT जो है वो करिकुलर रिविजन करती रहती है, करिकुलर फ्रेमवर्क उसके निकलते रहते हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, इस तरीके से। तो स्कूल एजुकेशन का जो 2005 का वो फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि करिकुलम हमारा कौन कौन से बिंदुओं पर बेस्ड होना चाहिए, उसमें भी वो कहते हैं कि NCERT has kept ensuring quality education. वो उनका मूलभूत उद्देश्य क्या है कि वो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने शिक्षार्थियों को दे सके। तो उसके लिए क्या है, टू मेक नेशनल एजुकेशन सिस्टम मोर एफिशिएंट, जिससे कि हम राष्ट्रीय शिक्षा का जो हमारा निकाय है उसको अधिक बढ़िया बना सके, एफिशिएंट बना सके, प्रभावपूर्ण बना सके, विच विल बी पॉसिबल, जो तभी संभव हो पाएगा जब ओनली आफ्टर द डिटर्मिनेशन एंड अचीवमेंट ऑफ MLL। जब हम पहली बात की न्यूनतम अधिगम के स्तर को सुनिश्चित करें और दूसरी बात की विद्यार्थी उसको हासिल करें।
देन स्टेप्स, कौन से स्टेप्स हमको उठाने पड़ेंगे अगर हम एमएलएल पे बात करना चाहते हैं. तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ लर्निंग अचीवमेंट. सबसे पहले तो हमको एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना होगा, एक पूर्व आकलन करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग लेवल है लर्निंग अचीवमेंट का, जो विद्यार्थियों की अधिगम की निष्पत्ति का जो एग्जिस्टिंग, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है स्तर, उसका पहले हम एक पूर्व आकलन कर लें. फिर क्या करें, प्रिपरेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग हैंडबुक्स फॉर एमएलएल बेस्ड टीचिंग. फिर हमको टीचर ट्रेनिंग हैंडबुक्स बनानी होगी ताकि वो शिक्षक जो उस विद्यार्थी को एलिमेंट्री एजुकेशन को डील करने जा रहे हैं उनको पता तो हो कि एमएलएल क्या है और कौन सी चीजें हम चाहते हैं कि वो विद्यार्थी हासिल करे, तभी तो वो उसके आउटकम के लिए काम करेंगे ना, कि वो उसको अपना सके, उसको हासिल कर सके. तो पहले हमको दूसरे स्टेप पे हमको टीचर ट्रेनिंग हैंडबुक्स बनानी होगी. देन इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूजिंग इवैल्यूएशन रिजल्ट्स फॉर रिमेडियल एक्शन. यानी कि अब ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में हमने समेटिव इवैल्यूएशन को छोड़ के सीसीई को अपना लिया है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड जिसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. तो क्या करना है हमको कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते रहना है विद्यार्थी का, और जो रिजल्ट आएगा इवैल्यूएशन का उसको हम किसके लिए यूज करेंगे, रेमेडियल एक्शन के लिए, ताकि हमको पता चलेगा, हम डायग्नोस कर पाएंगे कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, तो हम रेमेडी प्रदान करेंगे कि वो चीजें हम कैसे फुलफिल कर पाए. देन यूजिंग एमएलएल नॉर्म्स एज एंड व्हेन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स आर रिवाइज्ड. तो इन एमएलएल नॉर्म्स को हम कब यूज करेंगे, अगर हमको पता होगा कि कक्षा एक के विद्यार्थी को कक्षा एक की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद ये कौशल हासिल कर लेने हैं, जैसे इतना अंक ज्ञान हो जाना, इतना उसको लिखने का कौशल आना चाहिए, इतना वो बोल पाए, तो हम उसको क्या करेंगे, जब टेक्स्ट बुक और करिकुलम रिवाइज करेगा तो उसमें ध्यान देंगे, उसको उन बिंदुओं को उसमें समाहित करेंगे. एंड प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टू मेक द एजुकेशनल प्रोसेस एक्टिविटी बेस्ड एंड जॉयफुल. और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम कैसे बनाएंगे, ताकि हम जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसको हम क्रियाशील बना सकें और खुशनुमा बना सकें वातावरण बच्चे के लिए. सॉरी, ये दो बार आ गया. देन बेसिक फीचर्स, क्या बेसिक फीचर्स हैं MLL के, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, जब हम न्यूनतम अधिगम के स्तर की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं इसके जो कि ये फुलफिल करना ही चाहिए. सबसे पहली बात क्या, अचीवेबिलिटी. ऐसा ना मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बना दिया जाए कि अधिकांश बच्चे उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्य होना चाहिए विद्यार्थी के द्वारा. तो अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट MLLs मस्ट सेटिस्फाई इज दैट MLLs मस्ट, दो बार हो गया, इज दैट दे शुड कॉरेस्पॉन्ड टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर अचीवेबल बाई ऑल लर्नर्स. ना मिनिमम लेवल का मतलब कि हर किसी को अचीव करना है, इसका मतलब हमको मिनिमम कुछ तय करना है कि इतना तो हर बच्चे को आना ही चाहिए. दिस इज सो बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. ऐसा क्यों है, उसके दो विशेष कारण है, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है. टू सर्व एज परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, कि हम उसको तय कर सकें कि ये हमारा परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव या गोल होना है इस क्लास के बाद. और दूसरा, टू इंश्योर लर्निंग अप टू मास्टरी लेवल बाय एवरी चिल्ड्रन इन द क्लास. और जब हमको मिनिमम लेवल पता चल जाएगा तभी हम मास्टरी भी करा पाएंगे, ठीक है, इतना सब हासिल कर लें फिर इसके आगे इसके आगे इसके आगे चलेंगे मास्टरी लेवल तक. देन कम्युनिकेबिलिटी, इट इज नॉट एनफ दैट एमएलएल्स आर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल. सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा अगर हम ये कह दें कि एमएलएल जो है वो हमारा अचीवेबल है. सॉरी, पीछे जाना है, गलत है ना यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए, आर में दो आर हो गए. MLLs are realistic and achievable, मतलब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि जो हमारा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है उसको हमने वास्तविक बनाया है, दशाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है, बच्चा उसको प्राप्त कर ले रहा है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जिस भाषा में जिस स्वरूप में बनाया गया है वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, सबको ईजिली समझ में आ पाए. क्यों, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक मेन स्ट्रीम में नहीं है, कुछ रिमोट एरियाज में, कुछ ऐसी जगह है जहाँ जिनका कम्युनिकेशन सबसे नहीं हो पाता है, तो वो भी उसको समझ सकें, उनको गाइडेंस हो उसके निर्माण में, उसको समझने में, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स उसको अचीव करा पाए. तो ये कम्युनिकेबल भी होना चाहिए. देन इवेलुएबिलिटी, ऐसा हो कि इसकी हम जांच कर सके, इसका हम आकलन कर सके, इसका मूल्यांकन कर सके. कैसे होगा ये, द स्टेटमेंट ऑफ एमएलएल्स शुड बी सच दैट दे सर्व एज एन इफेक्टिव ब्लूप्रिंट फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन ऑफ लर्नर्स एंड देयर बाय स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व. यानी कि इस तरीके से बनाया जाए कि अगर हम इतने का इवेलुएशन बच्चे का कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बच्चे ने इतना हासिल कर लिया है कि वो अगली कक्षा में जा सकता है. द अटेम्प्ट हैज दस बीन टू सेट द एमएलएल्स इन सच अ वे एज टू मेक असेसमेंट of learner attainment easy for the teacher, whether it is done through written, oral or other types of tests. मतलब उसको इतना क्लिष्ट नहीं बनाना है, उसको easy रखना है. और एक बात और खास यहाँ ध्यान देने की कि elementary education पे no detention policy चलती है, कि हम
ऑटोमेटिक प्रमोशन यू कैन से कि बच्चे को हमको फेल नहीं करना है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमको उसका आकलन ही नहीं करना है, हमको उसका आकलन करना है, उसको डायग्नोज करना है उसके लर्निंग डिफिकल्टीज, फिर उसको रेमेडी भी प्रदान करनी है, बस उसको डिटेन नहीं करना है। तो इट कैन बी मिसअंडरस्टूड दैट हमको उसका आकलन ही नहीं करना है, तो ये यहाँ से मैसेज नहीं जाना चाहिए। देन लर्निंग कंटिन्यूम, मतलब ये लर्निंग का कंटिन्यूअम है पूरा एलिमेंट्री एजुकेशन में, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास की पढ़ाई है वो दूसरे क्लास से बिल्कुल अलग है, दूसरे की तीसरे से अलग है, बल्कि ये कंटिन्यूअम है कि हम इतना पढ़ के आए हैं, हमको और इतना पढ़ना है, फिर और इतना पढ़ना है। द एंडेवर हैज बीन टू सेट एमएलएल्स इन एज सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर एज पॉसिबल, स्पेसिफाइंग द कॉम्पिटेंसीज टू बी मास्टर्ड अंडर ईच लर्निंग यूनिट फ्रॉम क्लास फर्स्ट थ्रू क्लास फिफ्थ। जब तक हमारा ये 5+3+3+4 नहीं आया था, उसके पहले की बात है ये, 10+2+3 जब हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था, तो हम पहले से पांचवे को एलिमेंट्री एजुकेशन कह रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हमको इस लर्निंग कंटिन्यूअम को हासिल करना है। लर्निंग हैज बीन सीन एज कंटिन्यूअम इन विच यूनिट्स आर सीक्वेंस्ड हायरार्किकली, जिसमें कि जो यूनिट है उनको हमने हायरार्की वाइज लगाया है, सबसे आसान फिर उससे कठिन फिर उससे कठिन फिर उससे कठिन, सो दैट द क्लस्टर्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन वन यूनिट बिल्ड एज डायरेक्टली एज पॉसिबल ऑन द कॉम्पिटेंसीज इन द प्रीसीडिंग यूनिट। यानी कि एक बिल्डिंग की अगर हमको कॉम्पिटेंसी हासिल हो गई तो हम अगली यूनिट तक जा सकें एज एन यूनिट, इकाई के रूप में। देन करिकुलर एरियाज, अगर हम बात करें कि किस किस पाठ्यक्रम में कहाँ कहाँ हमको एमएलएल की जरूरत पड़ती है, तो जनरली 3 एरियाज हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज में आपका सोशल स्टडीज और साइंसेज दोनों ही आ जाएगा। तो मतलब लैंग्वेज में अगर बच्चा कक्षा 1 का विद्यार्थी है, 2 का 3 का 4 का 5 का है, तो वो कौन कौन से एरिया है जहाँ पे उसको मास्टरी चाहिए। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज को लेते हैं, तो लैंग्वेज में लिसनिंग, यानी कक्षा 1 का बच्चा क्या क्या लिसन करके समझ सकता है, क्या क्या बोल सकता है, कितना पढ़ सकता है, कितना लिख सकता है, उसको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आइडियाज में कितनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रामर उसको कितनी आनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग वो कितना कर पाएगा, लैंग्वेज का यूज कितना कर पाएगा और वोकैब का कंट्रोल कितना है उसके पास। तो ये कॉम्पिटेंसीज हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएंगी, पर एरिया हमारे पास यही होंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स, इसी तरह से ईवीएस, इसी तरह से अगर हम इसको पोस्ट-स्कॉलेस्टिक एरिया में भी लेना चाहते हैं तो ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट इसलिए आया कि हम इक्विटी को क्वालिटी से मिला सकें और हर बच्चे को इतना काबिल बना सकें कि कम से कम वो इतना जाने कि अगली कक्षा में उसको आसानी से हम ले जा सकें और बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग सारी जुड़ती रहें, किसकी, ज्ञान की, नॉलेज बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, तो ये कंसेप्ट है एमएलएल का, और जिसके कोर्स में है उसके लिए ये फायदेमंद है। वैसे भी हम सभी को जानना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एंड व्हाट आर प्रीवियस कमीशन हैड सेड अबाउट एमएलएल। सो थैंक यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप टू टू गेट लर्निंग मटेरियल्स एंड आस्क योर क्वेरी एंड प्रोवाइड मी फीडबैक टू देयर। डन फ्रॉम माय साइड।